everyone, welcome to the sociology class. Today in 5 minutes we are going to cover labeling theory by Howard Baker, a very important theory that comes under social deviance topic. Okay, I am your educator Bhairavi Bharadwaj. This is my Telegram channel. Please don't forget to join this because all the PDF you will get on this channel only. So let's get started and understand what is the labeling theory by Howard Baker. सो थ्योरी को देखने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सोशोलॉजिस्ट हैं कौन. थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं. तो हार्वर्ड बेकर एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं. इनका फुल नाम ये है. ये 18 अप्रैल 1928 को बॉर्न हुए थे. ठीक है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं. ज़्यादातर इन्होंने जो काम किया है वो है ऑक्यूपेशन पे, एजुकेशन पे, डेवियंस पे और आर्ट पे. डेवियंस पे तो थ्योरी आज हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, लेबलिंग थ्योरी. इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से. उसके बाद इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है. कुछ इनकी बुक्स हैं, इनकी बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं. मैं इसमें सारी ऐड नहीं कर पाई हूँ, बहुत सी इसमें मिसिंग है. तो आप एक काम करिएगा, आप गूगल पे जाकर इनकी बुक्स को देखिएगा और उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा. ठीक है, वो बुक्स आपको सारी ही नाम पता होनी चाहिए विद देयर ईयर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं. अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे. ठीक है, तो बुक्स को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है. कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, वो आप देख लीजिए. जो इसमें से मिसिंग है वो आपको गूगल करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि लेबलिंग थ्योरी है क्या, इसका बेसिक आइडिया है क्या. ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन लाइन है जो आपको याद करनी है. हार्वर्ड बेकर ने लेबलिंग के बारे में जो मेन चीज बोली थी वो ये थी, deviancy is not a quality of the act a person commits but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender. deviant behavior is behavior that people so label. देखो इनका यहाँ पे क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि जो deviancy होती है, deviancy मतलब deviant means वो person जो society के against जा रहा है. ठीक है, जो society में norms होते हैं, हमारे वैल्यूज होते हैं, वो उनके अगेंस्ट जाकर कोई भी काम कर रहा है. तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, क्राइम हो गया है ना, स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत सी चीज़ें डेवियंट में आती हैं. पर यहाँ पे हमारा टॉपिक डेवियंट नहीं है. बेसिक आइडिया आपको डेवियंट का मीनिंग पता होना चाहिए बस. देखो लेबलिंग थ्योरी में हार्वर्ड बेकर ने यहाँ पर बोला है कि डेवियंट होना इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसको लेबल कैसे किया गया है, कौन सा बिहेवियर लेबल किया गया है एज अ डेवियंट, दैट मेक्स अ पर्सन डेवियंट. ठीक है, तो हार्वर्ड बेकर ने ये यहाँ पे बोला है अपनी थ्योरी में. देखो, व्हाट मेक्स समथिंग डेवियंट इज नॉट व्हाट इज डन. एक इंसान को डेवियंट वो नहीं बनाता है जो उसने किया, बट हाउ पीपल रिएक्ट व्हाट इज डन. बट पीपल के रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो एक डेवियंट होगा या नहीं. ठीक है, द ओनली थिंग दैट डेवियंट एक्ट्स हैव इन कॉमन इज दैट दे आर लेबल्ड एज डेवियंट बाय अदर्स. तो यानी आपने क्या किया है वो नहीं बताएगा आप डेवियंट हैं या नहीं, बट लोगों ने आपको डेवियंट लेबल कर दिया है उसको कहेंगे डेवियंट. ठीक है, इसीलिए इसका नाम है लेबलिंग थ्योरी. तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी थ्योरी की, बहुत ही ईजी है. ठीक है, नाउ बेकर इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट कॉजेज पीपल टू बिहेव इन डेवियंट वे. बेकर को यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि लोग डेवियंट होके कैसा बिहेव करते हैं. इंस्टेड ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाई पीपल चूज टू लेबल देयर बिहेवियर. इनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था कि लोग कैसे चूज करते हैं एक डेवियंट बिहेवियर को, किस तरह से वो लेबल करते हैं और उस लेबल का क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी पर और इंडिविजुअल पर. ठीक है, बेकर पॉइंट्स आउट दैट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम एक्ट डिपेंडिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट. बेकर ने कहा कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह का उनका रिएक्शंस होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हमें, एक्ट ऑफ किलिंग समवन. ठीक है, इसको समझते हैं. इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस दिस वुड बी लेबल्ड एज मर्डर. अगर मैं आपसे कहूँ किसी को मार देना तो आप कहेंगे अरे ये तो मर्डर होता है, बहुत ज़्यादा डेवियंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम इसे गलत मानते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के एकदम अगेंस्ट है. ठीक है, बट इन अ वॉर किलिंग इज नॉर्मलाइज्ड. बट अगर आप वॉर में हैं तो फिर किलिंग इज नॉर्मल. इंडीड मे बी लेबल्ड एज हीरोइक, बट यहाँ पर इसको लेबल कैसे कर दिया गया, हीरो की तरह. इफ कॉम्बेटेंट डूइंग द किलिंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ फॉर्मल आर्मी देन द वे विल लाइकली बी लेबल्ड एज टेररिस्ट. तो अगर कोई टेररिस्ट मार रहा है तो वो हो गया
टेररिस्ट है ना। अब देखो यहाँ पे किल तो तीनों तीनों ही लोग कर रहे हैं, बट सबको अलग अलग तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेबल किया गया है। ठीक, देयर मे बी नो कंसेंसस ओवर द एप्लीकेशन ऑफ द लेबल बिकॉज वंस पर्सन टेररिस्ट। अब देखो यहाँ पे समझो, जो इंसान को हम टेररिस्ट मान रहे हैं क्योंकि वो हमारी कंट्री पे अगर अटैक कर रहा है मान लो, ठीक है, तो हमारे लिए तो वो टेररिस्ट है, हम उसको लेबल कर रहे हैं एज अ टेररिस्ट, ठीक, हाईली डेवियंट। बट जिस जिस कंट्री से वो आ रहा है या जो उसका ग्रुप होगा उनके लिए तो वो नहीं होगा डेवियंट, उनके लिए तो वो हीरो होगा। बात समझ में आ रही है? तो बेकर का यहाँ पर कहना है कि हमारा जो लेबलिंग वाला है पॉइंट, वो डिपेंड करता है इस पे कि किस तरह का एक्ट है और किस तरह का सोशल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, ये मर्डर वाला एग्जांपल आप याद रखिएगा एग्जाम में, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम तो है ही, बहुत से लोग ऑलरेडी मुझसे वहाँ पर बात करते हैं, तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हाउ वी सी आर सेल्फ्स। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ का कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ठीक है, बेकर आर्ग्यूज दैट दिस इज क्रिएटेड बाई रिकॉग्नाइजिंग हाउ अदर सीज अस। हम लोगों ने पढ़ा है ना लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट, यानी कि लोग हमें कैसे देखते हैं वैसे ही हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, हम लोगों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, यही चीज बेकर ने यहाँ पे यूज की है। उन्होंने कहा है बीइंग अवेयर ऑफ हाउ वी आर लेबल्ड, हम इसी चीज में सेल्फ को देखते हैं कि हम लेबल कैसे हैं। ठीक है, एज सच बीइंग लेबल्ड एज अ डेवियंट कैन लीड टू डेवियंट सैम्प्लीफिकेशन बिकॉज दिस लेबल कैन बिकम आर मास्टर स्टेटस। होता क्या है कि जिस चीज का लेबल हमें दे दिया जाता है वो हमारा मास्टर स्टेटस बन जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ मान लो, ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बट मुझे लेबल कर दिया गया कि मैं एक बहुत बड़ी टेररिस्ट हूँ, तो अब मैं चाहे कितनी भी अच्छी इंसान हूँ, अगर मुझे लेबल कर दिया गया है कि मैं टेररिस्ट हूँ, तो मुझे सोसाइटी उसी चीज़ से मानेगी, मुझे वो हमेशा यही कहेगी कि ये तो एक टेररिस्ट है, तो ये टेररिस्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा मास्टर स्टेटस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है आपको? द मेन वे इन विच वी थिंक ऑफ एंड आइडेंटिफाई आर सेल्फ, ठीक है, तो जो हमारा मेन चीज़ होती है ना जिससे हमें आइडेंटिफाई किया जाता है, वही हमारा लेबल की वजह से मास्टर स्टेटस बन जाता है। इन दिस वे पीपल कैन बिकम करियर क्रिमिनल। करियर क्रिमिनल मतलब कि आपका पूरा जो करियर है वही हो गया कि आप एक क्रिमिनल हो। ठीक है, दिस रिलेट्स टू द आइडिया ऑफ लेमार्ट अबाउट प्राइमरी डेवियंस एंड सेकेंडरी डेवियंस। तो याद रखना, प्राइमरी डेवियंस और सेकेंडरी डेवियंस हमें लेमार्ट ने दिया है। लेमार्ट पोस्टुलेटेड दैट आफ्टर समवन कैरीज आउट अ डेवियंट एक्ट प्राइमरी डेवियंस द रिएक्शन ऑफ अदर्स कैन बी सेकेंडरी डेवियंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लेमर्ट ने कहा था कि जब कोई इंसान कोई डेवियंट एक्ट करता है तो वो हो जाता है प्राइमरी डेवियंस, और उसका जो रिएक्शन आता है वो हो जाता है सेकेंडरी डेवियंस। ठीक है, तो ये चीजें, ये सारी बातें आपको याद रखनी है अंडर दिस थ्योरी। द लेबल ओरिएंटेशन रिकॉग्नाइजेस थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस, यानी ये जो लेबलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये हमें तीन लेवल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है द सोसाइटी एट लार्ज consisting of various interest groups, these define and judge various forms of behavior as deviant. तो जो बड़े लेवल पे होता है, जब पूरी सोसाइटी ही किसी चीज को डेवियंट मान लेती है, एक तो वो हो गया। ठीक है, सेकेंड है देयर आर वेरियस इंडिविजुअल्स विद हुम द पर्सन कंसर्न इंटरैक्ट्स डेली एंड हु लेबल हिम इन वन वे और द अदर। तो जो डेली इंटरेक्शन लोग करते हैं उसमें एक दूसरे को लेबल करते रहते हैं। ठीक है, थर्डली देयर आर ऑफिशियल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल। अब जैसे गवर्नमेंट ने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं, तो फिर वो हो गया एक तरह का लेबल। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि जैसे अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स उसे कॉन्स्टेंटली लेबल करते रहते हैं कि अरे तुम बैड हो, तुम डल हो, तुम तो अनइंटेलिजेंट हो, तो होगा क्या, धीमे धीमे वो जो बच्चा होगा वो उसको एक्चुअली एक्ट करने लगेगा इस तरीके से, मतलब वो समझ लेगा कि हाँ मैं अनइंटेलिजेंट हूँ, और वो उसको मान लेगा और एक्चुअल में अनइंटेलिजेंट बन जाएगा। तो यही सेम चीज़ हमने अभी लेबलिंग थ्योरी में पढ़ी, जिसमें हार्वर्ड बेकर ने हमें ये बोला कि अगर आप किसी को लेबल कर दोगे एज अ डेवियंट, तो फिर वो डेवियंट ही हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कॉमेंट एंड आस्क मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेसन। Don't forget to subscribe if you are a sociology student. Go to playlist, see वहाँ पे किस तरह के videos हैं, सारे ही videos आपको preparation में आपकी help करेंगे।
एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम, दिस इज द लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगी। अगर आपको सोशियोलॉजी में कोई डाउट है और आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।